कहाँ गए थे तुम? आज़र के पास गया था। और ये सना क्यों इतना रो रही है? माँ के लिए रो रही है, और क्यों रो रही है? इधर आओ बेटा, इधर बैठो, मेरी बात सुनो, बैठो। देखो जवाद, मैंने तो राशिद को बहुत समझाया, मैं उसे कुछ भी कहती हूँ तो नाराज हो जाता है कि मेरी बच्ची है, मैं संभालूंगा इसे। अरे बच्चे कहाँ पलते हैं माँ के बगैर। और सना, सना ने तो माँ की गोद और उसकी गर्मी को महसूस किया है, बहुत जानती है, पहचानती है वो इफ्रा के हाथों को, तड़प कर रोती है उसके लिए। राशिद भाई को मैं समझा लूंगा, सना को वो वापस लौटा दे ताकि इफ्रा को भी थोड़ा चैन आ जाए। देखो जवाद, राशिद को समझाने की बजाय अगर तुम खुद को समझाओगे तो बेहतर होगा। फिर वही बात की ना। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुकम्मल करना भी नहीं चाहता। बात मुकम्मल ही तब होगी जवाद, अगर तुम अपने बड़े भाई और मासूम भतीजी के लिए कुर्बानी दोगे। और हाँ एक बात और, ये तुम्हारी और इफ्रा की बेहतरी के लिए है बेटा, इस तरह से तुम्हारा मुस्तकबिल बन जाएगा और इफ्रा की मामता को सुकून मिल जाएगा। कर रहा है ये लड़का।